नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अपडेट जारी किया है। इसके तहत जारी किए गए अपडेट में उन्होंने बताया है कि अगर 15 जून तक अगर मुखिया के चुनाव अगर तय समय पर नहीं होते हैं तो उनके अधिकार छीन जाएंगे। तो आइए, उनके अधिकार छीनेंगे तो आखिर जाएंगे कहाँ, इन सब चीजों के बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार अपडेट जारी किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए नए अपडेट में बताया गया है कि नीतीश सरकार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अध्यादेश के माध्यम से संशोधन की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि अगर ग्राम पंचायत के चुनाव तय समय पर नहीं होते हैं तो पंचायतें अब क्रमित होंगी, यानी कि पंचायतों को खत्म कर दिया जाएगा। उनके जो मुखिया और सरपंच के जो पावर है उसे कम कर दिए जाएंगे, यानी कि हम कहें खत्म कर दिए जाएंगे, यानी कि पंचायत राज व्यवस्था में होने वाले कार्य अफसरों के जिम्मे होंगे। जब तक राज्य निर्वाचन प्रतिनिधि का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक अफसर की योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। आपको बता दें कि 15 जून तक पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल है। इससे पहले नया निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में मुखिया, प्रमुख आदि के अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे। उसके बाद अफसरों को उनकी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। पंचायती राज अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं किया गया है कि चुनाव समय पर नहीं होने पर त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत होने वाले कार्य किन के माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे, इसीलिए अधिनियम में संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया है। जब अधिनियम में संशोधन के बाद इसमें संशोधित दिशा निर्देश जिलाधिकारियों को दे दिए जाएंगे। पंचायती राज और कार्य जिलाधिकारी के माध्यम से अधीनस्थ पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वार्ड, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के तहत होने वाले कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कराए जाएंगे। वहीं जिला परिषद के माध्यम से होने वाले कार्य को उप विकास आयुक्त कराएंगे। इन्हीं के पास सारे अधिकार होंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे में अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम में बदलाव किया जाएगा, फिर बाद में विधानमंडल के सत्र में भी इसको पारित कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम पिछले चुनाव की बात कर लें तो साल 2016 में हुए पंचायत चुनाव में 28 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी गई थी, जिसके साथ ही पहले चरण के चुनाव के लिए 2 मार्च को अभ्यर्थियों के नामांकन की भी बात कही गई थी। पर इस बार इस चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, जिसके कारण बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक कोई भी संशय की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल ईवीएम के माध्यम से चुनाव होना है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग से ईवीएम को लेकर एनओसी की मांग की थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने एनओसी अभी नहीं मिलने के कारण मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंच गया है। ऐसे में अब देखना है कि पटना हाईकोर्ट में किस तरह का फैसला आता है। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से एक और अपडेट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि एक ही दिन और एक ही समय पर अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हैं तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जाएगी जिसने पहले आवेदन पत्र दिया है। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन को लेकर अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। आयोग ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी उम्मीदवार को सरकारी भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनावी सभा या प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। चुनाव की घोषणा को लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदाधिकारी के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनाव का दौरा माना जाएगा। इधर आयोग ने यह भी कहा है कि चुनावी दौरे के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए। बिहार और पंचायत चुनाव से जुड़े हुए और भी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।